मशहूर पंजाबी अदाकार योगराज सिंह ने सियासत कदम रखे है। उन्होंने गुरुद्वारा श्री बेद साहिब च पहुंच के यह वड्डा ऐलान कर दिता है। योगराज सिंह का कहना है कि साल 2024 दीआं एमपी चोणां दे विच श्री आनंदपुर साहिब की सीट तो वह उम्मीदवार खड़े हो जा रहे ने। उन्हें भी कहा कि बाबा जी ने उन्हां दी जिहड़ी ड्यूटी लगाई है, जो सेवा मंगी है, उसनों करन दे लई ओह तैयार बर तैयार ने। हालांकि स्पष्ट नहीं होया कि ओह केड़ी पार्टी दे वल्लों लड़न जा रहे ने। जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। जिस पार्टी तो चोन लड़न दे हुकम होणगे, उस पार्टी तो चोन लड़ी जाएगी। उन्हां दा यह भी कहना है। योगराज सिंह दीआं कई फिल्मां आने वाले समय दे विच रिलीज़ भी होने वाली ने, जिन्हां दे विच जंगनामा, आउटलॉ, सरदारा एंड सन्स, मौजा मौजा ते चंबे दी बूटी भी शामिल ने। मशहूर पंजाबी अदाकार योगराज सिंह ने सियासत च कदम रखे है। उन्होंने गुरुद्वारा श्री बेद साहिब च पहुंच के यह वड्डा ऐलान कर दिता है। योगराज सिंह का कहना है कि साल 2024 दीआं एमपी चोणां दे विच श्री आनंदपुर साहिब की सीट तो वह उम्मीदवार खड़े हो जा रहे ने। उन्हें भी कहा कि बाबा जी ने उन्होंने जिहड़ी ड्यूटी लगाई है, जो सेवा मंगी है, उसनों करन दे लई ओह तैयार बर तैयार ने। हालांकि स्पष्ट नहीं होया कि ओह केड़ी पार्टी दे वल्लों लड़न जा रहे ने। जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। जिस पार्टी तो चोन लड़न दे हुकम होणगे, उस पार्टी तो चोन लड़ी जाएगी। उन्हां दा यह भी कहना है। योगराज सिंह दीआं कई फिल्मां आने वाले समय दे विच रिलीज़ भी होने वाली ने, जिन्हां दे विच जंगनामा, आउटलॉ, सरदारा एंड सन्स, मौजा मौजा ते चंबे दी बूटी भी शामिल ने। चढ़दी कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।